गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, विभिन्न ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम क्लास फाइव के संस्कृत पढ़ाना जा रहे हैं न्यू बुक से, कस्तूरी चैप्टर। इसमें पढ़ाना है चैप्टर पहले वन। चैप्टर वन में संस्कृत व्याकरण से ये सब संबंधित है। संस्कृत वर्णमाला, संस्कृत वर्णमाला पढ़ाना है। वर्ण, वर्ण की परिभाषा है भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके और माने दूसरा टुकड़े खंड नहीं किए जा सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। ठीक है, वर्ण के अक्षर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अक्षर भी कहते हैं। वर्ण के समूह को वर्णमाला कहते हैं, माने सारे वर्णों को एक जगह रखेंगे तो क्या होगा, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण के भेद, वर्ण के कितने भेद हैं, तो वर्ण के यहाँ पे दो भेद बताए गए हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण जिन वर्णों के उच्चारण में दूसरे वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है उसे हम स्वर वर्ण कहते हैं। संस्कृत भाषा में 13 स्वर हैं। अब क्वेश्चन रहेगा कि स्वर वर्णों की संख्या कितनी है, तो 13। ये कौन कौन है, ये देख ही रहे हैं, आ ई ई छोटी बड़ी, छोटी उ बड़ी उ, और री री, री ए ऐ ओ औ। स्वरों का वर्गीकरण स्वरों के 3 भागों में बांटा जा सकता है। कितने भागों में बांटा जा सकता है, 3 भागों में। स्वर के भेद, हर स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। हर स्वर किसे कहते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उन्हें हम स्वर वर्ण स्वर कहते हैं। स्वर किसे कहते हैं, जिसके उच्चारण में एकदम हल्का से कम समय लगता है, ऐसे भी बोल सकते हैं। जैसे आ छोटी, छोटी उ, री और लरी। ख दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्राओं का अर्थात हर स्वर के दुगुना समय लगता है उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ, तो आ के बाद आ पर अधिक बल पड़ा, छोटी में कम होता है तो बड़ी, बड़ी उ, री री ए ऐ और ओ औ। ठीक है, अब इसमें ग आ जाइए, प्लुत स्वर किसे कहते हैं, तो जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्राओं से भी अधिक समय लगता है उसे हम प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे ओम, इसके बोलने में 3 समय लगा, तो 3 से भी ज़्यादा लग सकता है, इस तरह के वर्ड हैं। तो ओम का उच्चारण करते समय ओ की लंबा खींचा जाता है। लंबा खींचा जाता है क्या, मतलब कि ज़्यादा देर तक उच्चारण करना पड़ता है। अब पेज पलटिए, आगे इसमें है दूसरा में व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता से की जाती है। स्वर जो है से स्वतंत्र है, और व्यंजन क्या है, परतंत्र है। कहने का मतलब है कि व्यंजन को बिना स्वर के उच्चारण नहीं हो सकता है, इसलिए व्यंजन किसे कहते हैं, तो व्यंजन जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है उसे हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे स्वर रहित व्यंजन के नीचे दाहिनी ओर तिरछी, तिरछी मतलब हम बताए थे भी पहले क्लास में कुछ दिन पहले कि क में नीचे जो लगता है तिरछी लाइन उसे हम हलंत कहते हैं, लगा दो इसे हम क्या कहते हैं, हलंत कहते हैं। इसलिए व्यंजनों के हल भी कहते हैं। संस्कृत वर्णमाला में कुल 33 व्यंजन हैं। कितने हैं, 33, 33 व्यंजन हैं। व्यंजन के कितने भागों में बांटा गया है, तो व्यंजन के 3 भागों में बांटा गया है, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्ण व्यंजन।
का स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन में हो गया स्पर्श व्यंजनों की मैंने मूल व्यंजन जो है, तो स्पर्श व्यंजन मूल कितने हैं, 25 हैं। का पूरा हो जाएगा तो कवार्ग चवार्ग टवार्ग पवार्ग और तवार्ग, ये 25 जो हैं ये मुख्य व्यंजन स्पर्श व्यंजन है। अब आ जाइए अंतस्थ व्यंजन कौन कौन है, तो अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, या रा ला उबा। अब आ जाइए गा में उष्ण व्यंजन, उष्ण व्यंजन भी 4 हैं, तालावेशा मृदानिशा दंतिशा और ह। अब आ जाइए वर्णाश्रित, अब आ जाइए आयोगवाह, आयोगवाह कौन कौन है, 2 आयोगवाह हैं अंग और ह, वे ध्वनियाँ जिनका अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है आयोगवाह कहलाती है, इन्हें स्वर स्वराश्रित भी कहते हैं, इनका प्रयोग स्वरों के बाद भी होता है, इनके 2 भेद हैं। आयोगवाह के कितने भेद हैं, ये 2 को में बट गए, अनुस्वार और विसर्ग, ये उल्टा दे दिया है, पहले विसर्ग दे दिया है, सबसे पहले अनुस्वार होता है तो अनुस्वार और विसर्ग। अनुस्वार में हो गया, अनुस्वार में पहले बोलेंगे इसमें बालकम विद्यालयम और विसर्ग, विसर्ग में बोलेंगे रामा सूर्य। अतः संस्कृत वर्णमाला में 13 स्वर और 33 व्यंजन तथा 2 स्वराश्रित होते हैं, जो स्वराश्रित कौन है, जिसको आयोगवाह कहते हैं अंग और रा। अब पेज पलटिए, इसमें जो है इसमें क्या दिया हुआ है, मात्रा, किसी व्यंजन के साथ स्वर का मेल होने पर उसका हलंत हट जाता है तथा स्वर की मात्रा उसमें जुड़ जाती है, जैसे क प्लस अ बराबर पूरा का, तो क से माँ तक के जो है एक तरह के इसका वर्ण विच्छेद होगा, इसे वर्ण विच्छेद कहते हैं, तो क हलंत प्लस अ बराबर क हलंत प्लस आ बराबर का, क प्लस छोटी बराबर की और क हलंत प्लस बड़ी बराबर की, बड़ी इसको कहेंगे, क हलंत प्लस छोटी ऊ बराबर कु और क हलंत प्लस बड़ी ऊ बराबर डबल को, मैंने इसको बड़ी को बोलेंगे, इस तरह के वर्ण विच्छेद सभी हैं। अब आ जाइए संयुक्त व्यंजन, 2 प्रकार के परस्पर मेल से बनने वाले व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहते हैं, 2 जो आपस में 2 मिलकर के बनते हैं 2 वर्ण, जिस तरह जैसे कि छह संयोगी छह, कक्षा लिखने में शिक्षा लिखने में, तो इसमें है इसका वर्ण विच्छेद अलग हो जाएगा, क हलंत प्लस मूर्धनि स प्लस अ बराबर छह बनेगा, त्र त हलंत प्लस र हलंत प्लस अ बराबर त्र हो जाएगा, ज्ञा ज्ञा का वर्ण विच्छेद बनेगा ज हलंत प्लस या हलंत प्लस अ बराबर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ज्ञा, स्र जो श्रवण वाला है चाहे श्रमिक लिखने वाला, तो तालावे स प्लस र प्लस तालावे स हलंत प्लस र प्लस अ। अब आ जाइए कि वर्ण संयोग, इसमें है कि वर्णों का परस्पर जोड़ करके शब्द बनाने की प्रक्रिया को वर्ण संयोग कहते हैं। अब इसमें इसी तरह देखिए किताब में दिया हुआ है, इसको खाली पढ़ना है समझना है, जैसे कि वर्ण विच्छेद देना है तो इसमें है कि क में है कि देखिए कि ब हलंत प्लस आ एगो व्यंजन है एगो स्वर है, तो इसमें प्लस ल प्लस अ प्लस क प्लस अ, इसमें जो भी है इसको सिर्फ पढ़ना है, वर्ण विच्छेद किसी भी शब्द के सभी वर्णों को अलग अलग करके लिखने की प्रक्रिया को ही व्यंजन वर्ण कहते हैं, अंत में जो भी वर्ण होता है उसी के आधार पर शब्द का नाम रखा जाता है। वर्ण विच्छेद
वर्ण विच्छेद में का देव, देव के वर्ण विच्छेद क्या होगा? द अलंत प्लस छोटी ए प्लस व प्लस अ, तो देव हो गया वर्ण विच्छेद। इसको लिख करके अच्छी तरह से प्रैक्टिस करिएगा और इसे याद करिएगा। इसको आकारांत बोलेंगे किसको, और आकारांत जो आ की मात्रा रहेगा आकारांत, छोटी रहेगा उसे इकारांत बोलेंगे, बड़ी रहेगा उसे इकारांत बोलेंगे, छोटी उ रहेगा उसे उकारांत बोलेंगे, और री की मात्रा वाले को रिकारांत बोलेंगे। कौन?